चाहती हूं कि इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से की जाए। इस मुद्दे पर उमा भारती ने बात की कि हमारे संवाददाता सनी मालवी ने उनसे चर्चा की। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर मुहिम छेड़ी है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या किस तरह का यह अभियान होगा आपका शराबबंदी को लेकर? शराबबंदी को लेकर के तो बहुत लोग अभियान छेड़े हैं और सफल हुए हैं। मुख्यमंत्रियों ने भी फैसले लिए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिए, गुजरात में आज तक शराबबंदी। मध्य प्रदेश में इसलिए नया विषय लग रहा है क्योंकि ये पहली बार बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता है, मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। लॉकडाउन के समय पर मैंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी, उनको कहा था कि कोई रास्ता इसका निकाल लीजिए, और निकालने के बारे में उन्होंने कहा था मैं सोचूंगा, और यही वो समय आ गया जो सोचने का है, क्योंकि अभी हम नीति बना रहे हैं उसकी, इसलिए मैंने बोला है। आपका हमेशा लक्ष्य रहता है कोई भी चीज़ पूछने की, आपका लक्ष्य शराबबंदी हो मध्य प्रदेश में? मेरा लक्ष्य तो है कि पूरी धरती में ही शराबबंदी हो जाए, सिवा जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं या जो अफ्रीका में जो वनवासी बंधु रहते हैं, वो लोग की परंपरा और संस्कृति में ये है, लेकिन वो फिर किसी दुष्कर्म में लिप्त नहीं होते, वो शराब के नशे में ऐसा कुछ नहीं करते जो नियम और कानून को भंग करता हो, लेकिन बाकी जो लोग तो ऐसे कर्म करते हैं और इतनी दुर्घटनाएं होती हैं, इतनी बीमारियां होती हैं, इतने फेफड़े खराब हो रहे हैं, लीवर खराब हो रहे हैं, किडनी खराब हो रही, दिल खराब हो रहे, उसमें इतना खर्चा हो रहा है, उसमें राजस्व कहीं नहीं टिकता जो खर्चा इसमें हो रहा है। ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, जिनका साफ तौर से कहना है कि प्रदेश भर में शराबबंदी को लेकर मुहिम चलाई जाएगी और इस पर विमर्श